दोस्तों, अगर आप भी भारत और श्रीलंका के बीच पहला T20 मैच देखने के लिए उत्साहित हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका को रौंदने के लिए आखिरकार भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहले T20 मैच के लिए चुन ली है अपनी टीम। पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर सबसे रोमांचक कांटे का मुकाबला हो चुका है शुरू। तो आखिरकार टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की तरफ से किसने बना दिया कितने रन, क्या है प्लेइंग 11 टीम, रिंकू और सूर्य ने कैसे इस मैच में रच दिया है इतिहास, सब कुछ हम आपको वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और श्रीलंका में से पहले T20 मैच में कौन सी टीम जीतेगी, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और श्रीलंका दो चिर प्रतिद्वंदी टीम है, और दोस्तों अभी भारतीय टीम ने हाल फिलहाल में T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था, और उसके बाद 5 मैचों की T20 सीरीज जो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई उसमें शुभमन गिल की कप्तानी में भारत जीत हासिल करने में कामयाब रही। अब दोस्तों, टीम इंडिया की बारी है श्रीलंका को उन्हीं के मैदान पर जाकर वहीं रौंदने की। अब यहां श्रीलंका को उन्हीं के गढ़ में हराना भारतीय टीम के लिए आसान नहीं होने वाला। हम सभी जानते हैं कि श्रीलंका के खिलाड़ी अपनी टीम को अपने मैदानों पर मुश्किल में से निकालना बखूबी जानते हैं, और जब से कप्तानी श्रीलंका टीम की वनिंदु हसरंगा संभाली है तब से श्रीलंका की टीम ने हारना सीखा ही नहीं है। हालांकि अब कप्तान बदल चुका है चरित्र, असलंका श्रीलंका के नए कप्तान हैं जो काफी अनुभवी और खतरनाक खिलाड़ी हैं, और टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा भी वही हैं। और दोस्तों, अब आखिरकार समय आ चुका है जब भारतीय टीम श्रीलंका की टीम का ये घमंड तोड़े और सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में 3 मैचों की T20 सीरीज हम 3-0 से जीते। वहीं दोस्तों, अगर आपको मुकाबले से पहले पूरा स्केड्यूल बताते चले, भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबलों का, तो दोस्तों बता दें सीरीज का पहला महामुकाबला 27 जुलाई को कैंडी शहर के पल्लेकेले क्रिकेट स्टेडियम में रात 7 बजे से प्रारंभ होगा। तो वहीं 6:30 बजे टॉस का समय होगा और इस मैच की लाइव कवरेज 6 बजे से प्रारंभ होगी। वहीं इस मैच का लाइव टेलीकास्ट आप TV पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। तो वहीं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में सोनी लिव ऐप इसका लाइव टेलीकास्ट करेगा, जिसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना अनिवार्य रहेगा। भारत और श्रीलंका के बीच इतिहास के हेड टू हेड मुकाबलों की बात की जाए तो दोनों टीम के बीच 29 मैच खेले गए हैं, जहां पर भारतीय टीम ने 19 तो श्रीलंका ने 9 मैच में जीत हासिल की है, तो वहीं 1 मैच में रिजल्ट नहीं निकला है। ऐसे में भारत और श्रीलंका के बीच मैच काफी ज्यादा रोमांचक अंदाज से खेला जा सकता है। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच ये मैच पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला है। इस मैदान के आंकड़ों के बारे में बात करें तो इस स्टेडियम पर अब तक 23 मुकाबले खेले गए हैं, जहां पर 13 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, तो वहीं पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने 9 मुकाबले अपने नाम किए हैं। इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 161 रन है, तो वहीं इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सबसे बड़ा स्कोर 263 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाया, तो वहीं सबसे कम स्कोर न्यूजीलैंड ने 70 रन ऑल आउट होकर बनाया है। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच पूरी सीरीज पल्लेकेले क्रिकेट स्टेडियम पर खेली जाने वाली है, जो काफी ज्यादा बेहतर मैदान है। यहाँ पर बल्लेबाजों के बल्ले पर गेंद बड़े से बेहतरीन तरीके से आती है, तो वहीं स्पिनर और तेज गेंदबाजों को भी समय समय पर मदद मिलती रहती है। ऐसे में गेंदबाज और बल्लेबाजों के बीच ये मुकाबला काफी रोमांचक रहने वाला है। तो वहीं मौसम की बात की जाए तो मुकाबले वाले दिन मैदान पर बादल छाए रहेंगे, जहां पर बारिश की संभावना मात्र 10% तक है। ऐसे में परिस्थितियों और भी ज्यादा चीजों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय कप्तान सबसे पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला चुनेंगे, और पहले बल्लेबाजी करते हुए अगर टीम इंडिया इस मैदान पर 200 रन बना देती है तो भारत की टीम बड़ी आसानी से मैच को जीत जाएगी। लेकिन एक तरफ भारतीय टीम की परेशानियां इसलिए भी बड़ी होंगी क्योंकि अब रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी टीम इंडिया में शामिल नहीं होंगे, और रविंद्र जडेजा ने भी T20 वर्ल्ड कप के बाद ही संन्यास ले लिया था। तो यहाँ भारत को मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आइए अब आपको पूरी प्लेइंग 11 टीम बताते हुए चलते हैं। पहले श्रीलंका की टीम के बारे में बताएं तो यहां पर दोस्तों श्रीलंका के लिए कप्तानी तो चरित्र असलंका करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं पाथुम निशंका, कुशल मेंडिस, कमितु मेंडिस, कुशल परेरा, एंजेलो मैथ्यूज, दासुन शंका, महेश तीक्षणा, मतीश पतिराना और नुवान तुषारा खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं बात करें अगर भारत की टीम के बारे में तो दोस्तों टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल के साथ शुभमन गिल करेंगे। तो वहीं फिर मध्य क्रम में 3रे नंबर पर ऋषभ पंत को मौका दिया गया है। 4थे नंबर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव टीम का हिस्सा बन रहे हैं। 5वें नंबर पर संजू सैमसन खेलते नजर आएंगे। 6ठे नंबर पर रिंकू सिंह खेलेंगे। फिर हार्दिक पांड्या बतौर ऑलराउंडर टीम का हिस्सा बने रहेंगे। वहीं शिवम दुबे को भी मौका मिल जाएगा, और गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज के साथ साथ वॉशिंगटन सुंदर और रवि बिश्नोई अपनी कातिलाना गेंदबाजी से लंका की धज्जियां उड़ाने के लिए बेकरार है। तो दोस्तों ये होगा टीम पहले T20 में। बाकी अब आप सभी क्या मानते हैं कि भारत और श्रीलंका में से पहला T20 मैच कौन सी अपने नाम करेगी, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।